धमकी दिया कि तुम्हारा बेटा को मार देंगे। तो बेटा है 13 साल का बेटा है, इसी को जहर खिला के बिक दिए बाबू के। हम लोग का पता चला बेटा को जहर खिला दिया, उसी का बात बोल रहा है कि तुम केस उठाओ, केस किए तो कहा है कि केस उठाओ नहीं तो तुम लोग के मार देंगे। आज सोमवार है और आज ही के दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगता है। महीना में 3 जनता दरबार लगता है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लग गया है। फरियादी आने लगे हैं और कहीं ना कहीं कुछ फरियादी ऐसे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिना मिले वापस चल जाते हैं, निराश होकर चल जाते हैं क्योंकि मिल नहीं पाते हैं। तमाम प्रोसेस है और प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं तमाम फरियादियों को नहीं पता रहता है। देखिए मोतिहारी से फरियादी आई है, कहीं ना कहीं मामला क्या है इन्हीं से जानेंगे। क्या मामला है, नाम बताइएगा पहले। भैया हम मोतिहारी जिला से हैं, हमारा पहले भाई को एक 36 सा का घर, एक कैलाश सा का घर, तुरहा है, एक कलवार है, वो सब कोई मिलकर एक भाई के पहले मारा। उसी का बाद कहा हम लोग केस फौजदारी किए उस पर, तो गोड़मुड़ी धरने लगा जी अब लोग हम लोग कभी ना ऐसा गलती करेंगे, तो हम लोग चुप गए। उसका बाद धमकी दिया कि तुम्हारा बेटा को मार देंगे। तो बेटा है 13 साल का बेटा है, इसी को जहर खिला के बिक दिए बाबू के। हम लोग का पता चला बेटा को जहर खिला दिया, उसी का बात बोल रहा है कि तुम केस उठाओ, केस किए तो कहा है कि केस उठाओ नहीं तो तुम लोग के मार देंगे। फिर भी मारने का ऐसे ऐसे एक आदमी जेल गया, 2 आदमी पटना से बेल करा लिया, बेल करा के आया तो कहा कि सब किनऊ के हम मार देंगे, हम केस नहीं उठाइएगा। था मारने का वजह से गए आप पूरा चारों ओर से घेर कर, हम लोग सो रहे थे, आग लगा दिया। जब हमको देह पर धार लगा तो हम ताके था, उस सब लोग हाला किए, चिल्लाने लगे थे, सब कोई उठा, बस वो लोग भागने लगा। गांव के लोग आकर आग बुझाया, हम लोग को बहरने का अथी नहीं, मिट्टी का देवाल था उसी को तोड़ कर लोग हमको निकाला। फिर भी वो भी हो गया दुश्मनी किस चीज़ की, दुश्मनी का दुश्मनी 36 सा का घर से, एक कैलाश सा का घर से, पूरा परिवार मिलकर हमको रास्ता नहीं चलने दे रहा है कि हम कोई सामान दुकान पर जाकर किने, लाठी लेकर खड़ा रह रहा है कि मुआ देंगे उसको मारेंगे। फिर कह रहा है कि 10 गो छवारी को हम झुका कर पैसा देकर हम रखेंगे, ये रास्ता पेड़ा चलेगा तो उसको हम इज्जत नाश देंगे, इसका इज्जत लुटवा देंगे। हम लोग थाना में गए, DSP लग गए, SP लग गए, मुख्यमंत्री लगे, हम लोग आवेदन दिए थी डाक द्वारा, माने पूरा जगह से हम लोग हार थक के यहाँ भी आए। अच्छा ये लोग कौन है जो परेशान करते हैं और आपके भाई को मार दिया उन्होंने और आपके पुत्र को? नहीं है, गाँव का लोग है। किस की दुश्मनी यानी कि क्यों दुश्मनी, क्यों दुश्मनी है भैया? हम लोग का पहले से एक बच्चा छोटी चके था, वो बच्चा बच्चा में कोई बात हुआ तो हम लोग डांट दिए, कहे कि जाने दो, उसका गार्जियन भी आके मारा, उसका बेटी दामाद भी मारा, इस सब कोई मिलकर आग भी लगा दिया, बेटा को जहर भी खिला दिया। हम लोग के कह रहा है कि घर में तुम्हारा बम धर देंगे, हथियार छुड़ा धर के थाना में फोन कर देंगे कि थाना इसका घर में ऐसा ऐसा चीज़ आएगा तो तुमको हम बांधवा देंगे, तुम केस नहीं उठाओगी। तो ये पुलिस प्रशासन इन लोगों पे कार्रवाई नहीं करते हैं क्या? नहीं कोई कार्रवाई नहीं, हम अथी मुफ्ती थाना में गए ये बात कहने के लिए, थाना हमको धक्का मार के निकाल दिया, 10 गो छवारी को झुका दिया कि बिलाओ इसको। हम कहें कि आप लोग नहीं सुनते हैं ना, हम चल रहे मोतिहारी अथी पटना अथी नीतीश कुमार का पास, तो कह रहा है कि जाओ जाओ, 10 गो छवारी को झुका दिया, धक्का मार के निकाल दिया। हम लोग कोई सुनवाई हम लोग का नहीं, और चारों तरफ से हार था के यहाँ पर आए, तो यहाँ के दरोगा लोग नहीं मिलने दे रहा है हमको नीतीश कुमार का पास। इतना इतना ही सब देखिए, इतना इतना हम लोग का मुसीबत पड़ा है। जी बताइए क्या बोल रहे हैं। मेरा सागर मेरा लड़का है, 3 आदमी राहुल नागा सनोज, 3 आदमी मिल के लोगों को पॉइजन खिलाया है माजा के बोतल में, उसको बाद में पॉइजन खिलाने के बाद में हम अपना बच्चा के ले गए सरकारी हॉस्पिटल में, और बाद में सरकारी हॉस्पिटल के बाद में बच्चा हमारा बच गया। बचने के बाद में मोटा मोटी 1.5 साल, हाँ 1.5 साल हो गया, SP किया, सदर DSP किया, मुफ्ती थाना पर दौड़ दौड़ गोर खिया गया,
उसको बाद में लगा है तो अभी भी ये तैयार नहीं किया है, कह रहा है कि ना वो पैसा ले लेता है। मोतिहारी से आई है, इनका साफ कहना है कि थाना के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार नहीं करते हैं, जो लोग हैं वो गांव के लोग हैं और बच्चे बच्चे में लड़ाई हुई थी जिसके बाद परिवार से जो है बदला ले रहे हैं और लगातार जहर खिला रहे हैं और जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इनका साफ कहना है कि 13 साल के इनके बच्चे को मार दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आई थी लेकिन मुलाकात नहीं हुई, काफी परेशान है और लगातार गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द जो है कार्रवाई हो और जो है कहीं ना कहीं इंसाफ मिले। फिलहाल क्या खुश कर थी आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।